गदपुरी थाना के अंतर्गत करीब 2 माह पहले हुई महिला की मौत के मामले में पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए परिजनों ने हुड्डा चौक से लेकर लघु सचिवालय तक एक जुलूस निकाला। आरोपियों की गिरफ्तारी न होने के कारण मृतक महिला के परिजनों में काफी रोष दिखाई दिया। उन्होंने चेतावनी दी है कि जल्द ही पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया तो वे आंदोलन की राह पकड़ेंगे। वहीं पुलिस ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। पलवल गांव जटोला निवासी जोगिंदर ने बताया कि उन्होंने अपनी बहन आरती की शादी 26 अप्रैल वर्ष 2021 गांव जटोली निवासी संदीप के साथ की थी। उसकी बहन के ससुराल वाले उसकी बहन को दहेज के लिए परेशान करते थे। कई बार उनको समझाया भी गया लेकिन वो नहीं माने और उसकी बहन को परेशान करते रहे। ज्यादा परेशान होने पर उसकी बहन घर पर आ गई थी। उसी समय उसके ससुराल से 2 आदमी आए थे और उसके साथ बुरा व्यवहार करके वापस चले गए थे। नवंबर माह में उसकी बहन ने परेशान होकर घर पर ही आत्महत्या कर ली थी। उसकी बहन ने आत्महत्या अपने ससुराल वालों से तंग आकर की थी। इस बारे में गदपुरी थाना पुलिस ने पति सहित अन्यों के खिलाफ केस दर्ज किया था लेकिन पुलिस अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। पुलिस की इस कार्यशैली से परेशान होकर मृतका के परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर एक जुलूस निकाला। इस दौरान परिजनों ने पुलिस को चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए तो वो एक बड़ा आंदोलन करेंगे। वहीं पुलिस ने सभी आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। और हमारी बेटी है आरती, जो गांव जटोली हसनपुर में भी आई थी आज से 1.5 साल पहले, और लोगों ने 1.5 साल पहले से ही पैसे की डिमांड की। हमने हर तरह से कोशिश की उनकी डिमांड पूरी करने की लेकिन उनका जो पेट नहीं भरा। दहेज के लोग भी कभी भी पेट नहीं भर सकते, चाहे वो अपना घर बेच दे, जमीन बेच दे, कुछ भी बेच दे। आखिरकार हमारी लड़की को बहुत टॉर्चर करते थे सारे पूरा परिवार, उनका जॉइंट फैमिली है, चाचा ताऊ, और एक नहीं सबके सभी दुखी करते थे। और लड़की ने परेशान होकर आई थी अपने घर पर, तो वो लोग घर पर भी आए और घर पर आके भी उसे बुरा भला बोला और उसे मरने की धमकी दी कि इससे तो तुम मर जाओ। और लड़की ने जो है उनके आक्रोश में आकर के उनसे दुखी होकर के तंग होकर के उसने, हमारी जो लड़की पढ़ी लिखी थी, ग्रेजुएट थी, अनपढ़ नहीं थी, वो डॉक्टरी करी थी, MS थी। आरती का भाई लगता हूँ मैं, दहेज के लिए आरती की हत्या कर दी थी दहेज लोभियों ने, उसके ससुराल वालों ने, उन्होंने उनसे परेशान आके सुसाइड कर लिया। दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे उसको, डेढ़ साल पहले लगभग, डेढ़ साल पहले। क्या नाम लड़के? संदीप के साथ हुई थी।